नारी का सबल होना तथा समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी एक विकसित समाज की कसौटी होती है। सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्यों के सहयोग से अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के दंड अधिक सख्त बनाए गए हैं और नए दंड प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भ्रूण हत्या में कमी आई है और देश के अनेक जिलों में सेक्स रेशियो में सुधार हुआ है। उज्ज्वला योजना द्वारा धुएं से मुक्ति, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, इन सभी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने घरों की रजिस्ट्री में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना में अगले 3 वर्षों के दौरान गाँव में लगभग 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अंचलों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया जा चुका है। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में महिलाओं को समान रूप से भागीदार बनाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। उद्योग और कारपोरेट क्षेत्र के सहयोग से महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही सरकारी खरीद में ऐसे उद्यमों को वरीयता दी जाएगी जहां कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी निर्धारित स्तर से अधिक हो। देश में हर बहन बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें।